साथियों, मैं कल देख रहा था, एक बार फिर शरद राव ने मेरे परिवार होने और न होने पर भी हमला शुरू कर दिया। साथियों, परिवार व्यवस्था हजारों साल से भारत के समाज की विशेषता है। परिवार व्यवस्था ये भारत की ताकत है, भारत का गौरव है और दुनिया को सबसे बड़ी देन है। लेकिन परिवार के विषय में शरद पवार को मोदी के बारे में बुरा से बुरा बोलने का हक है। बड़े हैं मुझसे उम्र में, उनको उनकी समझ और संस्कार के हिसाब से बोलने का हक भी है। लेकिन मेरे देशवासियों, मोदी आज जो जिंदगी जी रहा है, उसने भी परिवारों से ही प्रेरणा ली है। परिवार ही मेरी प्रेरणा है। भगत सिंह का भी एक बड़ा विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। सुखदेव का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी प्रेरणा है। राजगुरु का भी विस्तृत परिवार था, वो मेरी परिवार है। चाफेकर बंधु का भी विशाल परिवार था, वो मेरी परिवार प्रेरणा है। अरे महात्मा फुले का भी फूला फाला परिवार था, वो भी मेरी प्रेरणा है। बाबा साहब अंबेडकर का भी विशाल परिवार था, वो हमारा प्रेरणा है। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी परिवार था, वो हमारी प्रेरणा है। अरे वीर सावरकर का भी परिवार था, वो हमारी प्रेरणा है। परिवारों की त्याग तपस्या से हमने प्रेरणा ली है। अरे शरद राव, आप और किसी से नहीं, अकेले आपके गुरु यशवंतराव चव्हाण के परिवार से प्रेरणा लेते तो भी पता चलता कि परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। शरद राव, मैं जानता हूं आप मोदी के रास्ते पर नहीं चल सकते और वो आपके बस में नहीं, आपकी ताकत के बाहर है। लेकिन जो परिवार वाले महान महान परिवारों ने देश के लिए जीवन खपा दिया, सब कुछ देश को न्योछावर कर दिया, अरे जरा उन परिवारों से तो सीखिए। लेकिन आप तो, आपका तो मॉडल दिल्ली का एक खास परिवार है। आप उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं।